केमिस्ट्री में आमतौर पर असातज़ा का कंसेंसस है कि बच्चों को केमिकल रिएक्शंस या पीरियोडिक टेबल समझने में मुश्किलात का सामना होता है। तो आइए क्यों ना केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी सी बात करें। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ाने की एक मुख्तलिफ अप्रोच रखते हैं। इस अप्रोच में बच्चों को एक इंटरैक्टिव हैंड्स ऑन गेम के जरिए एटॉमिक स्ट्रक्चर तक लेके जाया जाता है, और इस गेम के अंदर जो मटेरियल्स चाहिए वो भी बहुत ही सिंपल मटेरियल्स हैं, जो या तो बहुत लो कॉस्ट हैं या कंप्लीटली नो कॉस्ट हैं, यानी वो मटेरियल्स बआसानी किसी क्लासरूम के अंदर भी दस्तयाब हैं। हम किन मटेरियल्स की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक कागज और एक डस्टबिन की। इस गेम को खेलने के ये असूल हैं। बच्चों के दो ग्रुप्स दो मुख्तलिफ कतार में खड़े हो जाएंगे। हर कतार में 10 बच्चे होंगे और हर बच्चे के पास उनका पेपर बॉल होगा, यानी उन्होंने अपने पेपर को क्रम्पल करके एक बॉल की सूरत में पकड़ा होगा। लाइन के शुरू से कोई लगभग 10 या 15 फुट दूर एक डस्टबिन पड़ी होगी, और हर बच्चे ने बारी बारी कोशिश करनी है कि वो अपना पेपर बॉल उस डस्टबिन के अंदर फेंकें। गेम एंड होने के बाद हेड टीचर जब डस्टबिन के अंदर पेपर बॉल्स को काउंट करेगा, तो मिसाल के तौर पे ग्रुप ए की डस्टबिन में अगर 8 पेपर बॉल्स हैं तो ग्रुप ए को जो एलिमेंट असाइन होगा वो होगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसी तरह अगर ग्रुप बी की डस्टबिन में हेड टीचर ने 6 पेपर बॉल्स काउंट किए तो ग्रुप बी का एलिमेंट होगा कार्बन, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसके बाद बच्चों को मौका दिया जाएगा कि वो खुद से सोचें कि उनका एलिमेंट यानी ऑक्सीजन या कार्बन किन किन और एलिमेंट्स के साथ दोस्ती करके मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपने देखा, एक बहुत ही आसान और नो कॉस्ट गेम के जरिए हमने बच्चों को एटॉमिक स्ट्रक्चर और इवेंचुअली केमिकल रिएक्शन जैसे चैलेंजिंग टॉपिक्स से मुतारफ किया।